Hello and welcome everyone to our channel Z2I Tutorials. For those who are new, I am Salman Ahmed and I did my M.Tech from IIT Dhanbad and I have more than 6 years of experience. चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था प्रॉब्लम्स ऑन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. अभी उसमें और भी प्रॉब्लम बचे हुए हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमें वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ होगा तो उसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, उसे हम आगे फर्दर देखेंगे. आज हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक जो कि है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक. तो उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ हैं वो जान लेते हैं. फॉर एग्जांपल, लाइक कंपोजिट नंबर. व्हाट इज कंपोजिट नंबर? ये सब जानते होंगे कि ए नंबर having more than two factors is called a composite number. Two factors का मतलब, for example, अगर हम बात करें one का, अगर हम one का factor निकालेंगे तो क्या आएगा? सिर्फ one ही आएगा. अगर हम two का factor निकालते हैं तो क्या आएगा? one into two. अगर हम factor निकालते हैं three का, क्या आएगा? one into three. एक और चीज़ है, उसको भी देखते हैं हम साथ ही parallelly, वो है prime number. दोनों में क्या डिफरेंस है, हम लोग पैरेलल देखते हैं. कंपोजिट नंबर क्या है? ए नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर. मतलब वो नंबर जिसमें दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे. जैसे कि यहां पर एक ही फैक्टर था, टू का दो ही फैक्टर होता है, थ्री का टू फैक्टर्स. लेट्स प्रोसीड टू फोर. फोर कैसे आएगा? तो फोर में क्या लिख सकते हैं हम लोग? वन इंटू टू इंटू टू. तो यहां पर कितने फैक्टर्स हो गए? यहां पर हो गए तीन फैक्टर्स. दैट मीन्स फोर इज अ कंपोजिट नंबर. सो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा हुआ? फोर हुआ. लेट्स प्रोसीड टू फाइव. वन इंटू फाइव सिक्स. वन इंटू टू इंटू थ्री. ये हम लोग यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं. तो ये भी क्या हुआ? कंपोजिट नंबर. प्राइम नंबर क्या होता है? ए प्राइम नंबर इज अ नंबर विच हैव Only two factors, one and itself. यहां हम कह सकते हैं factors कौन से होंगे? One and itself. वो number का factor होगा one और वो number खुद होगा. और इस composite number में क्या था? More than two factors. ये सब लोग जानते होंगे. अब for example one. वन क्या है? प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? कंपोजिट नंबर तो हो नहीं सकता है. प्राइम नंबर क्या कहा? कि वन और इटसेल्फ दो फैक्टर होंगे. लेकिन जब हमने वन देखा तो वन में सिर्फ एक ही फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर तो हुआ ही नहीं और कंपोजिट नंबर भी नहीं है. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर. तो वन ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट, बिकॉज वन में सिर्फ एक ही फैक्टर है. प्राइम में दो फैक्टर होना चाहिए और कंपोजिट में मोर देन टू फैक्टर्स होने चाहिए. नेक्स्ट, टू. टू में कितने फैक्टर्स हैं? वन है और वो नंबर खुद है. तो ये टू क्या हो गया? टू इज अ प्राइम नंबर. थ्री, वन इंटू थ्री, वन है, वो थ्री नंबर खुद है, इसका मतलब थ्री भी क्या है? प्राइम. फोर, वन टू एंड टू, भले ही टू और टू रिपीट कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ना है, तीन है कि नहीं है. तीन फैक्टर्स है, वन टू एंड टू, तो इसका मतलब ये हो गया कंपोजिट नंबर. फाइव, वन और फाइव प्राइम नंबर. सिक्स, वन टू एंड थ्री, ये भी क्या होगा? कंपोजिट नंबर. और इस तरह से हम और निकाल सकते हैं. तो इससे हमें ये मालूम चला कि वन ना ही प्राइम है, ना ही प्राइम होगा और ना ही कंपोजिट होगा, दोनों नहीं होगा. ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ना ही प्राइम ना ही कंपोजिट. टू प्राइम होगा, तो इससे कह सकते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट कि टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. टू जो है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है. नेक्स्ट बात, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? फोर. वी कैन राइट एज फोर इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर.
ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको याद रखना है कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये पता होना चाहिए। ए नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स इज अ कंपोजिट नंबर, ए नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स वन एंड दैट नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। वन ना ही प्राइम होते हैं और ना ही कंपोजिट होते हैं, टू स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और फोर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है। इतना बात क्लियर है, इसको नोट करना है वो नोट कर सकता है। सो आवर टॉपिक इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक का सबसे फंडामेंटल थ्योरम क्या है, ये कहता क्या है, ध्यान सुनना, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट, क्या एक्सेप्शन है, फॉर द ऑर्डर इन विच दीज फैक्टर्स अकर्स। अब ये क्या कह रहा है, ये तो क्लियर हो गया कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन वी कैन राइट एज कैन बी एक्सप्रेस एन ए यूनिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दीज फैक्टर अकर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला कि लेट्स से क्या, ये क्या कह रहा है, कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर ले लिया लेट्स से 18, ठीक है, 18 इज अ कंपोजिट नंबर। अब क्या करना है हमें कि इस नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो क्या करेंगे, पहले हम इस 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व निकालेंगे। क्या आएगा पहले, 2 9 18, 3 3 9, ये होगा। सो वी कैन राइट 18 एज 2 × 3 × 3। ठीक है, प्रोडक्ट हुआ कि नहीं हुआ, 2 का 3 का और 3 का, ये 18 मेरा प्रोडक्ट आ गया। अब देखो क्या कहा इसने, किस ऑर्डर में आएगा वो फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग चाहें तो 18 को निकाल सकते हैं इस तरह से, लाइक 3 6 और 2 3। ये भी सही है, 2 × 3 × 3, 3 × 2 × 3, ये दोनों सही है। यहाँ पर ऑर्डर क्या है, यहाँ पर ऑर्डर है 2 के बाद 3, 3 के बाद 3, यहाँ पर ऑर्डर क्या है, 3 के बाद 2, 2 के बाद 3। ठीक है, उसने कहा कि प्रोडक्ट कर लो लेकिन ऑर्डर क्या होगा वो मैटर नहीं करेगा। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये कि इसको यूनिकली लिखो, यूनिक का मतलब हुआ कि असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब ये कि अगर 3 2 3 अगर आ रहा है मेरा फैक्टर तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, लाइक 2 × 3 × 3। ठीक है, फैक्टर्स किसी भी ऑर्डर में आ सकता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, लेकिन जब इसको लिखेंगे हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स तो उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, ताकि बोलेंगे वो यूनिक है। ठीक है, यूनिक है ना, ये यूनिक का मतलब ये हुआ कि 3 × 2 × 3 और 2 × 3 × 3 दोनों सेम नहीं है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होगा। तो ये लिखा जो हमने, इसको मैंने बोल दिया कि यूनिकली एक्सप्रेस कर दिया है हमने। तो अब देख लो कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हमने एक्सप्रेस कर लिया एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैंने लिया है लेट्स से 64। क्या आएगा इसका, 64 का 32 16 8 4, दिस वन क्या लिखेंगे, 2 1 2 3 4 5 6, 2 जो है 6 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने क्या किया, जो हमारा 64 था कंपोजिट नंबर, उसे हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स से, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में हमने इसको एक्सप्रेस कर लिया। ठीक है, और यू कैन राइट एज 2 to the power 6, यहां पर 2 × 3 का स्क्वायर। इस तरह से हम लोग किसी भी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। इसका और भी तरीका है जो अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इसका यूज कहां पर है, अब ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी नंबर को शो करना है कि वो कंपोजिट नंबर है, अगर मुझे कोई नंबर को शो करना होगा कि वो नंबर कंपोजिट नंबर है, तो शो कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, उस नंबर का अगर हम फैक्टर्स निकाल के शो कर देंगे, भाई इसका मोर देन टू फैक्टर्स है तो वो नंबर कंपोजिट नंबर होगा। होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन ये है, शो दैट लाइक
121 इज ए कंपोजिट नंबर, हमें शो करना है कि 121 जो है कंपोजिट नंबर है। तो हमें पता है कंपोजिट नंबर क्या होगा, मोर देन टू फैक्टर्स। तो क्या करेंगे, पहले हम 121 का निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स, कितने बार बन जाएगा ये 11, होगा नहीं होगा, सो वी कैन राइट 121 एज 11 into 11। अब लोग ये कहना होगा कि 121 प्राइम फैक्टर कैसे हो, कंपोजिट नंबर कैसे होगा, इसका दो ही फैक्टर आ रहा है, लेकिन इसका एक और फैक्टर यहाँ पर छुपा हुआ है, वो क्या है, वो है वन। वन तो फैक्टर हो, वन तो फैक्टर हर एक नंबर का होता है, 1 into 11 into 11 तीन हो गया ना। सो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 121 हैज मोर देन टू फैक्टर्स, देयरफॉर 121 इज ए कंपोजिट नंबर। जब उस नंबर का अगर मोर देन टू फैक्टर, यहाँ पे टू फैक्टर दिख रहा है, एक वन भी तो होता है, हमने प्राइम लिखा है इसलिए वन है भले लिखा, लेकिन वन तो छुपा हुआ है यहाँ पर, वन तो हर एक नंबर का फैक्टर होता है, दो यहाँ पर दिख रहा है, एक वन भी है, तीन हो गया, तो मोर देन टू फैक्टर है, मोर देन टू फैक्टर्स, देयरफॉर वी कैन से दैट 121 इज अ कंपोजिट नंबर। अब कर सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर अ कंपोजिट नंबर। यहाँ पर मेरे पास दो क्वेश्चन है, अब यहाँ पर कोई एक नंबर नहीं दिया हुआ है, कोई एक इंटीजर नहीं है, यहाँ पर क्या है, एक थोड़ा सा इसमें प्रोडक्ट दे दिया है, जैसे 5 into 11 into 16 plus 16, इस पूरे को बताना है कि ये कंपोजिट नंबर होगा। सेम तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी है, पहले हम फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, इससे पहले क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे, ये बताओ प्लस के पहले यहाँ पे एक 16 आ रहा है और यहाँ पर भी 16, दैट मीन्स वी कैन टेक 16 एज अ कॉमन। जब हम 16 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 5 into 11 प्लस यहाँ क्या बचेगा, 1 फर्दर 16 कितना हो गया, 55 प्लस 1 दैट इज 56। ठीक है, अब देखो इस पूरे जो नंबर था मेरा वो कितना आ गया, 16 into 56, कितने फैक्टर दिख रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा है दो फैक्टर्स, और 1 यहाँ पर ऑलरेडी वो तो होता ही होता है बाय डिफॉल्ट, 1 किसी भी नंबर का फैक्टर होता है, तो 1 ये नंबर और ये नंबर, तीन फैक्टर हो गया, और भी होंगे फैक्टर्स, ये दिख रहा साफ ये कंपोजिट नंबर है, उतना आगे नहीं जाएंगे हम लोग, बस ये शो कर देंगे कि दो फैक्टर से ज़्यादा हमारा फैक्टर आ रहा है, तो 1 तो होगा ही होगा, 16 into 56 भी होगा। सो यहाँ हम कह सकते हैं कि इट हैज मोर देन टू फैक्टर्स, देयरफॉर द गिवन नंबर इज ए कंपोजिट नंबर। इसे फर्दर आगे सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, हमें बस शो करना था कंपोजिट नंबर है या नहीं है, जब मेरा 2 से ज़्यादा फैक्टर आ ही गया तो इसको सॉल्व करने का जरूरत अब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग, 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 4, इस पूरे में और इसमें 4 कॉमन है, कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा, 5 into 3 into 2 प्लस ये क्या बचेगा, 1। अब क्या आएगा, 5 3 15 2 30 plus 1, तो 4 into 31, यहाँ पर क्या दिख रहा है, इस पूरे नंबर का जो भी आएगा उसमें दो फैक्टर यहाँ पर है, और एक तो 1 होता ही होता है, किसी भी नंबर 1 मल्टीप्लाई होता है, तो वी कैन से दैट द गिवन नंबर हैज मोर देन टू फैक्टर्स, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सिर्फ इतना सिंप्लीफाई करेंगे जहां तक कि हमें मोर देन टू फैक्टर्स दिख जाएगा, वहां पर हम लोग स्टॉप हो जाएंगे, आगे भी और फर्दर ये ब्रेक कर सकता है, लेकिन करने का हमें ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमें प्रूफ करना था कि दो फैक्टर ज़्यादा होगा, 2 आ चुका है और 1 तो बाई डिफॉल्ट होता ही है, दैट मीन्स द गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज़ मोर देन टू फैक्टर्स। क्लियर है, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 6 to the power n, ये 6 to the power n है, जहां पर ये n जो है वो नेचुरल नंबर है, मतलब 1 से स्टार्ट होगा n, ठीक है, तो हमें शो करना है कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में होगा, लाइक 6 to the power n, 6 to the power 1, 6 square, 6 cube, 6 to the power 4, ये सारे चीजें कैन नेवर एंड विथ द डिजिट 0, मतलब कि
सिक्स पावर हम कितना भी लिख लें, लाइक सिक्स स्क्वायर क्यूब फोर हंड्रेड एनी पावर ले लो, अगर सॉल्व करेंगे तो किसी का भी आंसर में जीरो नहीं आएगा, जीरो इंड नहीं होगा, ठीक है। ये हमें शो करना है, ठीक है। तो शो कैसे करेंगे, इसके लिए हम सबसे जानते हैं बेसिक चीज़, कोई भी नंबर जिसके इंड में, ध्यान सुना, कोई भी नंबर जिसके इंड में जीरो आता है दैट नंबर मस्ट हैव फाइव एज अ फैक्टर। कोई भी नंबर लाइक 10 ले लो, 100 ले लो, 50, 150, इन सब के इन में ज़ीरो है। ये सारे जो नंबर्स हैं सब के नंबर के अगर फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर्स अगर निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स, तो वहाँ पर 5 होना मस्ट है। अगर किसी नंबर में 5 फैक्टर नहीं है तो उसके नंबर के एंड में ज़ीरो नहीं हो सकता है, चाहो तो कोई भी फैक्टर निकाल के चेक कर लो, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ था कि कोई किसी भी नंबर के एंड में ज़ीरो तभी होगा जब उस नंबर के फैक्टर में 5 होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एज वी नो दैट एनी नंबर दैट एंड्स विथ जीरो मस्ट हैव 5 एज अ फैक्टर। किसी भी नंबर के इंड में जीरो होने का मतलब है कि उस नंबर का एक 5 फैक्टर तो होगा ही होगा, मस्ट हैव 5 एज फैक्टर, 5 फैक्टर होना मस्ट है। तो हम चेक करते हैं कि हमारा जो नंबर है क्या उसमें फैक्टर 5 है या फिर नहीं है। तो चेक करो यहां पर कि नंबर क्या है हमारे पास, 6 to the power n, ठीक है। अब ध्यान दो, 6 का फैक्टर क्या क्या होता है, 2 and 3, सो वी कैन राइट 6th power n एज 2 into 3 to the whole power n, लिख सकते हैं। हमने 6 को ब्रेक कर लिया 2 into 3 में, जैसा कि हमने पढ़ा था अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में, किसी भी नंबर को हम लोग यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में, तो हमने कर लिया। तो हमने यहाँ पर भी यही थ्योरम यूज किया है, किसी भी नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो हमने एक्सप्रेस कर लिया। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है, ए इन टू बी की पावर एन इज इक्वल टू, इसको हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, यह है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। 2 to the power n into 3 की पावर n, मतलब कि 2 की पावर कुछ भी और 3 की पावर कुछ भी, क्या इसमें 5 फैक्टर आ रहा है, 5 कभी नहीं आएगा। 3 कितने, 3 रिपीट हो सकता है कि 3 रिपीट कर जाए, 2 रिपीट कर जाए, लेकिन क्या 5 आएगा, 5 तो यहाँ पर आया ही नहीं इस नंबर में। तो अभी 6 टू द पावर n में जब मेरा 5 फैक्टर आया ही नहीं, तो तुम कितना ही पावर लगा लो उसके आंसर में कभी भी एंड में जीरो नहीं आएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि 6 टू द पावर n कैन नॉट या मस्ट नॉट हैविंग 5 एज अ फैक्टर। 6 टू द पावर n में 5 फैक्टर कभी नहीं होगा। अगर ऐसी बात है तो क्या ये नंबर के एंड में कभी जीरो आएगा, नहीं आएगा। देयरफॉर 6 टू द पावर n कैन नेवर एंड विथ जीरो। तो जब अगर किसी नंबर के 5 फैक्टर नहीं होंगे तो उस नंबर के जो भी नंबर वैल्यू आएगा उसमें एंड कभी भी जीरो से नहीं होना है। और फैक्टर क्या आया यहाँ पर, फैक्टर 2 और 3 होगा, चाहे वो 2 और 3 कितने नंबर हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 5 नहीं है, 5 नहीं है तो उस नंबर के एंड में जीरो कभी नहीं आएगा, चाहे तुम 6th पावर कितना भी कर लो कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्ट सेम एज द लास्ट क्वेश्चन, बस यहाँ पर चेंजिंग क्या हुआ है कि वहाँ पर 6 टू द पावर n था, यहाँ पर 4 टू द पावर n हमें दे दिया गया है। सेम कॉन्सेप्ट है कि किसी भी नंबर के इन में, नंबर के इन में जीरो तभी आएगा जब उस नंबर के फैक्टर में 5 आएगा तब। जैसे यहाँ पर हम चेक करते हैं, शॉर्ट में चलते हैं हम लेके, कि 4 की पावर n फैक्टर क्या होगा 4 का, वी कैन राइट एज लाइक दिस, क्या किया हमने 4 को 2 का स्क्वायर कर लिया। और हमें पता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है, पावर द पावर मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 2 के पावर 2n। तो इससे हमें क्या दिखा कि इससे हमें दिखा कि 4 के पावर n करने पर जो हमारा फैक्टर है वो सिर्फ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। पावर 2n का मतलब है कि वो नंबर कितने बार मल्टीप्लाई होगा, कौन, 2।
इसमें टू के अलावा और कोई फैक्टर नहीं आ सकता है। ये टू कितने बार मल्टीपल, अगर एन हम जीरो पुट करेंगे कितना होगा, टू की पावर जीरो वन हो गया। अगर बोला है कि नेचुरल नंबर, एन अगर हमने वन पुट किया टू की पावर टू, दैट मीन्स टू इंटू टू। एन अगर हमने टू पुट किया टू टू द फोर, तो टू कितने बार मल्टीप्लाई होगा, फोर टाइम्स। तो यहाँ पर बेसिकली फैक्टर सिर्फ टू ही आएगा, चाहे वो जितने बार रिपीट करे, डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एन। फैक्टर कभी भी फाइव नहीं आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर सेम चीज़ है, जब फैक्टर फाइव नहीं आएगा तो हम कह सकते हैं कि फोर टू द पावर एन में कभी भी नंबर जो है कभी भी जीरो से एंड नहीं करेगा। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है। सो नेक्स्ट इज वी हैव टू फाइंड द एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ एनी गिवन नंबर्स। पहला चीज ये जानते हैं कि एस सी एफ होता क्या है। एस सी एफ क्या होता है, अगर हम दो नंबर के फैक्टर्स लिख रहे हैं, अगर हमने दो नंबर का प्राइम फैक्टर लिखा है, उस दोनों प्राइम फैक्टर्स में क्या क्या लेंगे जो हमारा एस सी एफ होगा। क्या कहता है ये कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स, उस दोनों जो प्राइम फैक्टर्स दोनों नंबर के उनमें जो कॉमन टर्म्स हैं उनका लोएस्ट पावर। अभी क्या होता है मैं समझाऊंगा एग्जांपल से, दोनों में जो कॉमन है उसका लोएस्ट पावर। दूसरा चीज एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, कॉमन नहीं जितने भी फैक्टर्स वहां पर अवेलेबल है डिफरेंट डिफरेंट सबको लेंगे, लेकिन विद हाईएस्ट पावर। फॉर एग्जांपल यहां हम समझते हैं 24 एंड 64 का हम एलसीएम निकालना है। ठीक है, पहले बताओ 24 का फैक्टर्स क्या होता है, यही होगा। नेक्स्ट 64 का, ठीक है, इसको अब हम लोग क्या करेंगे, सेम थ्योरम से हम क्या करेंगे, इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के टर्म में हम लोग लिख लेंगे। क्या होगा 24 और क्या होगा 2 into 2 into 2 into 3 एंड 64 टू सिक्स टाइम्स। ठीक है, अब देखो पहले हम एस सी एफ निकालते हैं, हमें क्या निकालना है, एस सी एफ निकालना है और एस सी एफ एंड एल सी एम। मैंने क्या बोला, एस सी एफ में प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स, इन दोनों में कॉमन कौन है, टू टू टू, और तो कुछ कॉमन नहीं है। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स, कॉमन टर्म क्या है, एक टू, दो टू और थ्री टू, इन तीनों का प्रोडक्ट निकालेंगे विद द लोएस्ट पावर। लोएस्ट पावर क्या रहा है, देखो सिंपल सी चीज, अगर इसका हम देखेंगे कितना आ रहा है, 2 into 2 into 2, दैट मीन्स 2 की पावर 3 into 3 ये आ रहा है। सेकेंड में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, 2 कितना आया, 2 आया पावर 6। अब ध्यान दो कि ये जो हमने डिफिनेशन लिखा है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो लोएस्ट पावर है किसका, कॉमन का, इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन तो नहीं आ रहा है मेरे पास। तो जो कॉमन आ रहा है उसका लोएस्ट पावर, कौन सा लोएस्ट पावर है, 2 की पावर 3। तो एस सी एफ क्या होगा, 2 to the power 3, कितना आएगा, 8। दूसरा चीज एल सी एम, मैंने क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स अवेलेबल है, कॉमन बात नहीं हो रहा है, मतलब कि इस पूरे में 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, 2 3 दोनों, तो 2 3 प्रोडक्ट तो लेंगे, लेकिन किसका, विद द हाईएस्ट पावर। 2 का हाईएस्ट पावर कौन सा है, 2 to the power 6, और 3 में कितना हाईएस्ट पावर है, 1। तो क्या होगा, 3 सिंगल था, 3 आ गया। सॉल्व करने पे कितना आएगा, 64 इंटू हाउ मच, 3, कितना आ गया, 192। ठीक है, तो एससीएफ आ गया मेरा 8 और एलसीएम मेरा आ गया 192। जो कॉमन आएंगे, कॉमन का सिर्फ कॉमन, दैट मीन सिर्फ 2 कॉमन था, उसमें जो लोएस्ट पावर है 2 की पावर 3, ये सेफ हो गया मेरा। जो जितने भी डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं, लाइक 2 है और 3 है, कॉमन के बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं हम लोग, सारे प्राइम फैक्टर्स, तो 2, एक तो 2 है और एक 3 है, 2 और 3 का फैक्टर, 2 का 3 का प्रोडक्ट तो लेंगे, लेकिन विद द हाईएस्ट पावर। 2 में कौन सा हाईएस्ट पावर है, 6, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 सिंगल था, 3, कितना आएगा, 192। एस सी एफ एंड एल सी एम तुम्हारा इस तरह से फाइंड हो गया। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट पार्ट इज फैक्टर ट्री मेथड। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसको बस जानने का चाहिए हमें। हमने पढ़ा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एकदम सेम कहानी है, कोई डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पर सिर्फ ट्री बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि मुझे निकालना है 120
सिक्स का निकालना है हमें फैक्टर्स, ठीक है, हमें प्राइम फैक्टर्स निकालना है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 126, ठीक है। अगर यहां पर हम यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो सॉल्व कैसे होगा, कैसे करते हैं, 126 का 2 से कितना आएगा, देन अगेन 3 से, देन अगेन 3, ये हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टर में क्या होता है, फैक्टर ट्री मेथड भी तुम्हारा सेम होता है, कैसे हमें ट्री बनाना है, ट्री में क्या होता है, हमारा क्या होता है ट्री में, ट्री इस तरह से जाएगा, ठीक है। 126 यहां स्टार्ट करते हैं, 126 स्टार्ट कहां से करते हैं हम लोग, 2 से, तो जब 2 से डिवाइड किया हमने तो कितना बच गया उस साइड, 63। सेम चीज है, बस ट्री बन रहा है यहां पर। अब 2 तो अकेला हो गया, 2 फर्दर इसका फैक्टर हो सकता है, नहीं। अब देखते हैं 63 का क्या आएगा, इसका 3 and 21, अब क्या आएगा इसका 3 and 7, ये जिसका तब तक करते जाएंगे जब तक कि किसी भी नंबर को भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट ना कर लें। अब ये फर्दर और नहीं हो सकता है, तो 2 3 3 7 यहाँ से भी आएगा, 2 3 3 7 यहाँ से भी आएगा, दोनों सेम मेथड है, बस इसको इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है। एट लास्ट लिखेंगे क्या हम 126 का क्या लिखेंगे, 2 into 3 into 3 into 7। थ्योरम कौन सा है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कि हमने किसी भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया, चाहे वो फैक्टर थ्री मेथड यूज करेंगे हम या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो अगर हमें एचसीएफ निकालना होगा जिस तरह से हम लोग यहाँ निकाल रहे थे, सेम तरीके से इससे भी निकाल लेंगे, सेम कहानी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6-12 यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड। सेम क्वेश्चन है जिस तरह हम लोग करते हैं फैक्टराइजेशन से, प्राइम फैक्टराइजेशन से, वैसे हम करेंगे फैक्टर से। क्या करेंगे, पहले हम 612 को निकालेंगे यूजिंग किसे, फैक्टर ट्री से, क्या आएगा, जाएगा 2 से, कितने बार में जाएगा, 306, देन अगेन 2 से, 153, अब क्या आएगा किससे, ये 3 से, 51, देन अगेन 317, ये हमारा आ गया 612 का। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है 1314 का, ठीक है, तो अब 1314 का निकालते हैं, पहले ये जाएगा किससे, ये जाएगा हमारा पहले 2 से, कितने बार में, 2 6 12 2 5 2 7, 650 सही आएगा ना, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा ये 2 से ये नहीं जाएगा, अब जाएगा किससे, ये हमारा कटेगा 3 से, कितने बार में कटेगा, ये हमारा जाएगा लेट से 3 से ना, 3 2 6 219, ठीक है। नेक्स्ट आएगा 219 को हम फर्दर अगर करेंगे तो ये हमारा 3 से ये कट जाएगा, कितने बार में जाएगा, 3 7 और 3 3, तो इस तरह से ये हमारा दोनों फैक्टर ट्री मेथड हो गया। अब क्या करेंगे, सिंपल हम लोग इसको क्या करेंगे, जैसे लिखते हैं फैक्टर में वैसे लिख लेंगे, 612 का होगा 2 into 2 into 3 into 3 into 17, मतलब कितना आ गया, 2 to the power 2 into 3 का square into 17। नेक्स्ट है 1314 का, वो क्या आया, 2 into 3 into 3 into 73, क्या आएगा, 2 into 3 square into 73, ये हमारा आ गया दोनों फैक्टर्स, तो हमारा फैक्टर ये आ गया। अब हमें पता है कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, दोनों में जो कॉमन है, 2 कॉमन है 3 कॉमन है, बस 2 और 3 आ रहा है, दोनों का लोवेस्ट पावर किसका है, 2 में किसका है 2, और 3 में 3 square, कितना आ गया 3 का square, 9 2 18, तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया 18। एलसीएम कितना आएगा, सारे फैक्टर्स को लेंगे, 2 का कौन सा हाईएस्ट फैक्टर है, 2 का square, 3 का कितना होगा 3 square,
अब क्या बच गया, 17 वो भी आएगा और 73 वो भी आएगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो मेरा अप्रॉक्स मेरा आंसर जो आएगा वो 446 मेरा ख्याल से ये आना चाहिए। ठीक है, तो एससीएफ आ गया 18 और एलसीएम मेरा आएगा 44676। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, सेम मेथड है, जस्ट लाइक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था मेरा, बस स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बाकी एससीएफ और एलसीएम मेरा जैसे मैंने समझाया है वैसे ही बनेगा। तो ये सारे एप्लीकेशंस थे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक पे। तो आज के लिए इतना काफ़ी आज के लेक्चर में, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग और एससीएफ एलसीएम के बारे में बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एट लास्ट आज का लेक्चर अगर सबको अच्छा लगा देन लाइक आवर चैनल, शेयर, सब्सक्राइब एंड टिक द बेल बटन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर टुडे।